हेलो फ्रेंड्स सो कैसे हैं आप सब लोग तो आज का हमारा सेशन रहेगा मिनरल्स प्लस रॉक्स मिनरल्स और रॉक्स को हम लोग कवरअप करेंगे आज के अपने सेशन rocks. के अंदर जैसे आप सभी लोग जानते ही हो रॉक्स को हम लोग अप करेंगे हमने कल के कल कल वाले जो लेक्चर के अंदर हमने जो मिनरल्स को कवरअप किया था आज हमारे दो से तीन मिनरल्स रह चुके हैं देन हम लोग उसके बाद शिफ्ट कर जाएंगे अपने इसी सेशन को रॉक्स के ऊपर क्लियर तो आज का सेशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूं अपने बारे में जैसे कि आप सभी लोग मुझे जानते ही हो सेल्फ कनम अग्रवाल आई एम ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मैं पिछले छह साल से टीच कर रहा हूं जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स को और तीन साल से एनसीआरटी को पढ़ाते आ रहा हूं अगर बात करें स्पेशलिटी की तो एनसीआरटी जोग्राफी पॉलिटी और करंट अफेयर्स के अंदर मेरी स्पेशलिटी है इवन आप इसके अलावा भी मुझे इंटर इंटरनेशनल रिलेशन एंड हिस्ट्री में अपने डाउट्स को पूछ सकते हो आई एम एंटर एन द कोच फॉर द यूपीएससी एग्जाम्स अब अगर बात करें अन अकेडमी की जो अन अकेडमी कुछ नए बैचेस को लेकर आया है 2021, 22 और 23 एस्पिरेंट्स के लिए जो 31st ऑफ मार्च से शुरू होने जा रहे हैं आपके अब अगर आगे देखें ये सारे के सारे जो मेंशन नेम्स हैं ये अन अकेडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं आप इनकी हेल्प से अपनी सी सी की जो प्रिपरेशन है बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग कर पाएंगे नेक्स्ट में अगर देखते हैं तो मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर रह रहा है अन अकेडमी का अगर आप लोग 2021 के लिए सब्सक्रिप्शन ऑफर लेते हैं तो जिसके अंदर आपका 2021 का प्रीलिम्स और मेंस भी कवर हो रहा है इस बार अगर आप यही पैक 31st ऑफ मार्च 2021 से पहले परचेज कर लेते हैं तो आपका यही पैक 2022 का प्रीलिम्स भी कवर अप किया जाएगा यानी कि आपका जो ये पैक चलेगा उसको एक्सटेंड किया जाएगा अप टू द टू थाउजेंड ट्वेंटी टू प्रिलिम्स क्लियर है तो इसको जल्दी से एनरोल कीजिए और ड्यूरिंग द एनरोलमेंट यू हैव टू यूज द कोड रैंक अब अगर बात करें अन अकेडमी 2022 बैच के लिए जो एक साल के लिए चलने वाला है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आ रहा है वो थर्टी ऑफ मार्च से जी शुरू होगा जिसके अंदर कंप्लीट सिलेबस कवरअप किया जाएगा प्रीकम मेंस का लाइव क्लासेस आपकी चलेंगी और एनसीआरटी प्लस प्रिलम टेस्ट सीरीज भी आपको यहां पे प्रोवाइड की जाएगी नेक्स्ट अगर हम देखते हैं प्रीलिम्स के लिए 2021 के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आएगा इसके अंदर आपको 3500 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई जाएगी गाइस ठीक है ना टू क्रैक योर प्रीलिम्स 2021 नेक्स्ट अगर बात करें प्रीलिम्स 2021 की सेम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आ रहा है थ्री मंथ्स बैच आपका चलेगा इसमें प्रीलिम्स फोकस बैच रहेगा और लाइव क्लासेस बाय द टॉप एजुकेटर्स आपकी यहां पे रहेंगी वन ईयर बैच यानी कि 2022 को जो फोकस करेगा आपका ये हिंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आ रहा है आपका और एक रहेगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्लियर है एक हिंदी और एक इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आ रहा है ये भी आपका थर्टी ऑफ मार्च से शुरू होने जा रहा है आपका अब अगर आगे देखते हैं टू ईयर बैच आपका चलने वाला है जिसके अंदर आपको 2023 के लिए प्रिपरेशन काफी बढ़िया हो सकती हैं आपकी जो एक हिंग्लिश में आएगा हिंदी और एक रहेगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अगर आगे देखें तो प्रिलिम्स 2021 के लिए सेम हिंदी लैंग्वेज में और एक इंग्लिश लैंग्वेज में स्टार्ट हो रहा थर्टी ऑफ मार्च से ये भी बैच आपका शुरू होने जा रहा है फ्रेंड्स यानी कि कल से और एनसीआरटी बैच काफी इंपॉर्टेंट रहता है फॉर द प्रिलिम्स और मेन्स के लिए जो इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ये भी शुरू होगा आपका थर्टी ऑफ मार्च से कंप्लीट यहां पर एनसीआरटी को कवरअप किया जाएगा एक बहुत अच्छा सॉलिड बेस बन जाएगा आपका एनसीआरटी के अंदर और लाइव क्लासेस रहेंगी बाय द टॉप एजुकेटर्स क्लियर है नेक्स्ट में अगर आप लोग के अंदर अंदर आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन पैक लेते हैं जिसके आपको पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी स्टडी प्लानिंग की कर सकते हैं आप लोग और स्टडी मटेरियल आपको तो पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबलिटी करवाई जाएगी यहाँ पे और एक्सपर्ट्स गाइडेंस रहेगी और एक टेस्ट एनालिसिस जो काफी इंपॉर्टेंट रहता है आप लोग अपने पैरल लर्नर से कंपीट कर पाएंगे कि सर आपकी कितनी तैयारी रह रही है और कितनी बाकी रह चुकी है आपकी नेक्स्ट में अगर हम लोग देखते हैं यहां पे प्लस सब्सक्रिप्शन पैक आपको सिक्स मंथ्स ट्वेल्व ट्वेंटी फोर और थर्टी सिक्स मंथस में अवेलेबल है यहां पे और अगर मैं आइकॉनिक की बात करूं आप ट्वेल्व मंथ्स में ले सकते हैं ट्वेंटी फोर मंथ्स में और थर्टी सिक्स मंथस में भी आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पैक यहां पे ले सकते हैं यहां पे आप लोग कॉम्बो भी बना सकते हो फ्रेंड्स कॉम्बो जैसे कि जीएस और ऑप्शनल का या फिर आप लोग आइकॉनिक जीएस में ऑप्शनल का कॉम्बो बना सकते हैं आप नेक्स्ट में अगर बात करें मैं ऑप्शन कॉम्बो में ले जाऊं तो अगर तो हम लोग यहां पे 12 मंथ 24 और 36 मंथ्स में भी हम लोग कॉम्बो बना सकते हैं क्लियर है right? अगर बात करें आन अकेडमी की लाइक like अगर आप ट्वेंटी का सब्सक्रिप्शन पैक लेते हैं जिसकी लगभग कॉस्ट है ड्यूरिंग द एनरोलमेंट इफ यू यूजिंग द कोड रैंक टेन एंड गेट द टेन परसेंट ऑफ इंस्टेंट डिस्काउंट तो यही पैक आपको अवेलेबल किया जाएगा ट्वेंटी फोर मंथ वाला सिक्सटी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज में क्लियर है right? जैसा कि आप लोग जानते हैं अन अकेडमी कंबेट भी करवाता है जो नेक्स्ट होने जा रहा है फोर्थ ऑफ अप्रैल को सुबह ग्यारह बजे इसको जल्दी से एनरोल कीजिए और अनलॉक कीजिए फ्रेंड्स कोड आपके सामने है फिर भी कोई डाउट रहता है कोई क्वेरी है हमने यहाँ पे आप लोग के लिए एक नंबर प्लेस किया है आप लोग यहां पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज को सॉल्व आउट कर सकते हैं क्लियर तो लीजिए फ्रेंड्स हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं अगर बात करें ग्रेफाइट की सर अपना नेक्स्ट मिनरल आ रहा है ग्रेफाइट ग्रेफाइट क्या है सर कहते ग्रेफाइट इज अ नेचुरली अकरिंग फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन कार्बन याद रखना सर क्रिस्टन कार्बन के रूप में आपको मिल जाएगा और अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो सर इसको और क्या बोल सकते हो आपको प्लम्ब गो बोल सकते हो या फिर ब्लैक लेड बोल सकते हो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है ब्लैक लेड से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्लम्ब गो वर्ड रहेगा सर आप लोग ग्रेफाइट को प्लम्ब गो के नाम से भी बुला सकते हो ठीक है ना अच्छा बात करें अगर कार्बन कंटेंट की सर ग्रेफाइट के अंदर कितने फीसदी आपको कार्बन कंटेंट है ये बोलते हैं इज नेवर लेस देन मतलब क्या 95 परसेंट से कम तो आपको कभी भी ग्रेफाइट के अंदर कार्बन कंटेंट कम नहीं मिलेगा क्लियर कहते ग्रेफाइट में भी कंसीडर्ड द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल जस्ट अब द्रासाइट कंसे अब कंसेप्ट देख लो सर एंथ्रोसाइट की बात कर रहे हैं कंपेरिजन भी किससे कर रहे हैं सर एंथ्रासाइट से एंथ्रासाइड वो एक कोल है जिसके अंदर हमें एट्टी क्या मिलता है सर कार्बन कंटेंट मिलता है हमें क्योंकि हम बोलते नहीं है कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल कौन सी है उसके बाद बेटोमिनस देन लिग्नाइट और पीट रहती है। अगर कार्बन कंटेंट की बात कर लू सर आपके सामने अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा एक मिनट मैं पहले क्लियर करता हूं आप लोगों के लिए फिर आपको समझाता हूं अब कंसेप्ट देखिए सर मैं इस पे आता हूं ये इंपॉर्टेंट रहेगा सर ये मेंस में भी आपका इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेगा सर इससे आपको पता लगता रहेगा कि सर कार्बन बेजिस इमिजिन सबसे ज्यादा कौन करता है सर पीट में सबसे कम कार्बन है लेग्नाइट में उससे भी कम है देन में आती है फिर एंथ्रसाइट। एंथ्रसाइट से भी ज्यादा एंथ्रासमें ग्रेफाइट में सर अभी तो हमने पढ़ा था ना कि ग्रेफाइट के अंदर कभी भी 95 परसेंट से कम आपको कार्बन कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा अगर मैं इससे भी ज्यादा बढ़ूंगा तो सर हम क्या बोलते डायमंड सर ये तो है ही क्या डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म बिल्कुल ठीक है ना

ये देखिए सर प्रोड्यूस मार्बल सचेस्ट जेनेसिस दैट कंटेन टाइनी क्रिस्टल्स एंड द फ्लेक्स ऑफ ग्रेफाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हम लोग रॉक रॉक को शुरू करेंगे बट रॉक शुरू करते हुए मेटामॉर्फिक रॉक तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि उससे पहले हमने इग्निस और सेडिमेंट्री रॉक को भी पढ़ना होगा बट कल वाले सेशन में हम लोग इस चीज को देखेंगे कि भैया जो मार्बल और जेनेसिस है इट इज अ बेस्ट एग्जांपल फॉर द मैडम मॉर्फिक रॉक और इसके अंदर हम लोग क्या चीज देखते हैं सर टाइनी बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल देखते हैं और फ्लेक्स किसके सर ग्रेफाइट के याद रखना ध्यान रखना इसमें कहते हैं metamorphism ऑफ कोल सेम्स दिस ग्रेफाइट इज नोन एज एमरफस ग्रेफाइट इंपॉर्टेंट है सर मैं पेन का कलर चेंज करके लेख देता हूं सर आप लोगों के लिए सर आप लोगों को ना नॉलेज होनी चाहिए कि एमर्फस ग्रेफाइट किसको बोला गया सर वो ग्रेफाइट है जो मेटामॉर्फिज्म के थ्रू मिल रहा है आपको कंसेप्ट याद रखना यहां पे लिखा हुआ है ना कि ऑफ कोल सीम्स ठीक है ना आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बोल रहा है हमें नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं ये लोग कि ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल एंड इट इज द ओनली नॉन मेटल दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ठीक है बिल्कुल ठीक है ना आगे चलें ये आके क्या बोलते हैं डायमंड की बात करते हैं कहते हैं डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरली अक्रिंग सब्सटेंस फाउंड ऑन द अर्थ बिल्कुल ये तो बेसिक हो गया कहते हैं डायमंड्स आर फाउंड इन मेंटल सर कंसेप्ट देखो सर डायमंड्स आर फाउंड इन मेंटल ये मेंटल क्या चीज है सर सर मेंटल क्या है सर मेंटल इज द लेयर ऑफ अर्थ हमारा एक टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ हम लोग उसके अंदर मेंटल लेयर को कवर अप करेंगे तो तब हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा कि डायमंड आपका काम मिलता है कहते दे ब्रॉड टू द अर्थ दर्थ ड्यू टू वॉलिजम क्योंकि ज्वालामुखी ऐसा होता है ना वॉल्कैनिज्म हमें ऐसे देखने को मिलता है ना कि ज्वालामुखी ऐसे बाहर आ जाता है तो जब ये ज्वालामुखी आपका मेन वेंट से ऊपर को ऐसे चलता है तो भैया ये किसको भी कवर अप करके जा रहा है सर मेंटल लेयर को भी तो अप करके जा रहा है ना तभी तो हमने ये वाला पॉइंट बोल दिया कि दे ब्रॉट टू अर्थ क्रस्ट कि धरती की, की सतह पे कौन लेकर आता ले है मोस्ट ऑफ द एंड एनस बिल्कुल ठीक कहते डायमंड इज द डायमंड आर यूज इन सॉरी एक मिनट्रिंट हो रहा है कहते डायमंड आर यूज इन ऑर्नामेंटल्स ठीक है पॉलिशिंग द सर्फेस ऑफ मेटल्स इन द जेम कटिंग अगर मैं पॉलिशिंग की बात कर रूं तो मेरे दिमाग में कंसेप्ट आ गया था सर हमने नर्मदा नदी के ऊपर पढ़ा था सूरत कि दुनिया भर में सबसे फेमस सूरत ऐसा शहर है जो फेमस है हीरे को चमकाने के अंदर ठीक है कि सूरत इज द फेमस एक्रॉस द वर्ल्ड फॉर द डायमंड कटिंग एंड द पॉलिशिंग सेंटर्स ठीक है ना हालांकि यहाँ पे कटिंग भी की जाती है और पॉलिशिंग भी की जाती है ये पॉइंट क्लियर है फिर अपने पास अगला आता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल यूज ऑफ डायमंड कटिंग एजेस ऑफ ड्रिल्स यूज फॉर एक्सप्लोरेशन एंड द माइनिंग ऑफ द मिनरल्स कंसेप्ट देखिए सर ड्रिलिंग जो हम देखते नहीं कि ड्रिलिंग मशीन लगा देते हैं क्यों लगाते हैं सर क्योंकि हमने धरती के सतह से नीचे हमने जो मिनरल्स को खोजना होता है उसके अंदर भी हम लोग डायमंड का इस्तेमाल करते हैं कहते डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस एंड इट कैन ब्रेक अदर सब्सटेंस विदाउट इटसेल्फ गेटिंग ब्रोकन ये दूसरे सब्सटेंस को तोड़ देगा ये इतना हार्ड है हालांकि खुद नहीं टूटता ये तो सभी को पता ही है सर कहते द विंध्यान सिस्टम ये क्या चीज आ गया सर हैव डायमंड बेयरिंग रीजन फ्रॉम व्हिच पन्ना एंड द गोलकोंडा डायमंड्स हैव बीन माइंड कांसेप्ट देखिए सर पन्ना हीरा होता है और एक गोलकोंडा है ये आपको विध्यान सिस्टम में देखने को मिल जाएगा कहते पन्ना बेल्ट आपको कहा मिल जाती है सर पन्ना बेल्ट हमें मध्य प्रदेश स्टेट में मिल जाती है कौन से राज्य में मिलेगी सर मध्य प्रदेश राज्य में आपको पन्ना बेल्ट देखने को मिल जाएगी आगे क्या आ रहा है अब आता है कि वज्रा करूर वजरा करूर क्या है ये वज्रा करूर केम्बरलाइट पाइप इन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट एंड ग्रेवल्स ऑफ द कृष्णा रिवर बेसिन इन आंध्र प्रदेश आपको यहां पे भी डायमंड देखने को मिल जाएगा सेप्ट याद रखना सर आंध्र प्रदेश में कौन कौन से डिस्ट्रिक्स में आपको देखने को मिल रहा है और साथ में नदी कौन सी जा रही है कृष्णा नदी जा रही है आपकी कहते हैं रिजर्व हैव हाँ बीन एस्टिमेटेड ओनली इन पन्ना बेल्ट एंड द कृष्णा ग्रेवल्स इन आंध्र प्रदेश इंपॉर्टेंट है सर ये वाला ये वाला एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है कि रिजर्व्स आपको या तो पन्ना बेल्ट जो मध्य प्रदेश के अंदर आपकी सिचुएटेड है यहां पे लिख देते हैं एमपी में सिचुएट रहती है कौन सी पन्ना बेल्ट एंड द कृष्णा ग्रेबल्स वो आपके आंध्र प्रदेश राज्य में रहते हैं तो यहीं पे ये ही दोनों राज्यों में आपके क्या मिल जाएगा देखने को आपको रिजर्व्स देखने को मिल जाएंगे इवन हम लोग यहां पे कुछ हिस्सा तेलंगाना का भी बोल सकते हैं कंसेप्ट याद रखना सर कहते द न्यू किम्बरलाइट फील्ड आर डिस्कवर्ड रिसेंटली इन कहाँ पे जो रिसेंटली नई आपको क्या मिला देखने को सर फील्ड्स मतलब एरिया देखने को मिल गया जहां पे आपको हीरा निकल सकता है वो कौन सी है वो है रायखर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका ठीक है ना अब आगे चलते हैं कितने रिजर्व ऑफ डायमंड इन इंडिया आर नॉट येट एग्जॉस्टेड एंड मॉडर्न मेथड्स आर बींग अप्लाइड फॉर इंटेंसिव प्रोस्पेक्टिंग एंड माइनिंग ठीक है अब अगर बात करें ये कंसेप्ट देखना सर अभी हमने जब बात की थी ना सूरत की कटिंग एंड पॉलिशिंग डायमंड इज डन बाय द मॉडर्न टेक्निक एट इंपॉर्टेंट सेंटर्स लाइक सूरत और कहां कहां पे नवासरी अहमदाबाद पालमपुर सर इंपॉर्टेंट सबसे पहले टॉप पे तो सूरत रहेगा इवन जो अहमदाबाद के अंदर भी है ना वो वो भी सूरत के डिपार्टमेंट के अंडर ही आता है याद रखना सर ये कंसेप्ट को ठीक है यहां तक देखिए यहां तक किसी फ्रेंड्स को कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए मैं वेट कर रहा हूं फ्रेंड्स किसी को भी कोई डाउट रहता है

जो रॉक्स है ठीक है हम लोग आज नया अपना शुरू करने जा रहे हैं सर रॉक्स क्या चीज रहती है देखिए अब अगर बात करें दस्टर सेकेंड सर रॉक्स क्या चीज है कहते रॉक्स आर एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल कंसेप्ट देखिए सर एग्रीगेट है किसका एक या एक से अधिक मिनरल्स का हेल्ड टुगेदर बाय द केमिकल बॉन्ड्स बिल्कुल ठीक है अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट रहेगा सर ये वाला तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मैंने पढ़ा नहीं है बट मैं पहले बता देता हूं आपको कहते हैं फेल्ड पार एंड क्वाड्स आर द मोस्ट कॉमन मिनरल फाउंड इन द रॉक सर दो ऐसे मिनरल हैं जो बहुत कॉमनली आपको चट्टानों के अंदर देखने को मिल जाएंगे कौन कौन से हैं सर एक तो अपने पास फेल्सपार आ रहा है और एक कौन सा सर एक आ रहा है क्वाड्स याद रखेगा फेल्सपार और क्वाड्स आर द कॉमन मिनरल्स फाउंड इन द रॉक्स ठीक है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रॉक इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी याद रखिएगा सर ये वाला इवन अगर मैं बात कर लू ना सॉफ्ट रॉक की अगर मैं बात करूं कोई ऐसी सर रॉक बताइए जो काफी सॉफ्ट रहती है वो कौन सी है वो है आपकी सोप स्टोन कंसेप्ट याद रखेगा द सॉफ्ट रॉक इज नोन एज द सोप स्टोन रॉक ठीक है ना आगे चलें कहते बेस्ड ऑन द मोड ऑफ फॉर्मेशन मतलब उसके बनावट के मेथड से हमारे पास तीन तरह की चट्टाने रहती हैं वो सभी को पता है सर पर फिर भी डिस्कस करते हैं। एक बार हम लोग इग्नियस रॉक सेडिमेंटरी रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक हमारे पास सबसे पहली रॉक आती इग्नियस रॉक हम इसको डायरेक्टली बोल देते हैं कि सॉलिडिफाइड फ्रॉम मैग्मा एंड लावा कांसेप्ट देखिए सर मैं आपको बहुत बेसिक सा करवाऊंगा अगर कांसेप्ट देखना सर ये अपने पास ना एक पहाड़ी है आप ऐसा बोल दो सर ये ऐसी एक पहाड़ी है जहाँ पे एक्टिव है आपका वॉलकैनिज्म कंसेप्ट देखिए सर कंसेप्ट देख लेना एक बार बस एक मिनट सर ये लीजिए बाहर आ गया ज्वालामुखी ये लीजिए ये बाहर क्या आ गया सर बाहर अपने पास आ गया लावा देखते जाइए सर लावा मेरा यहाँ पे गिर गया सर मेरा यहाँ पे लावा इकट्ठा होगा इवन मेरा लावा यहाँ पे भी इकट्ठा हो गया सर ये जो नीचे लावा गिरा अपना इसको मैंने क्या बोल दिया सर ये कभी ना कभी ठंडा हो जाएगा कभी ना कभी ये जम जाएगा जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाता है तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं या फिर कुछ देर के बाद जब ये मतलब ये नहीं है कुछ देर के बाद के, कुछ घंटों के बाद नहीं सर कुछ ईयर्स के बाद कुछ सेंचुरीज के बाद हम लोग इसको इग्नियस रॉक का नाम दे देते हैं तो हम लोग इग्नियस रॉक को पेरेंट रॉक बोल देते हैं याद रखना सर इग्नियस रॉक इज ऑल्सो कॉल्ड एस पेरेंट रॉक इवन हम लोग इसको प्राइमरी रॉक भी बोल देते हैं प्राइमरी रॉक क्योंकि इग्नियस रॉक पे ही जब करेक्टरसिक्स इसके चेंज होते हैं किसी भी कारणों से याद रखिए जब इसके करेक्टरसिक्स किसी भी कारणों से चेंज होंगे तभी ये इग्नियस रॉक शिफ्ट करती है सेडिमेंट्री से या फिर तभी ये शिफ्ट करेगी मेटामॉर्फिक रॉक पे तो इसीलिए तो हमने इसको पेरेंट रॉक बोल दिया फिर प्राइमरी कि अगर इग्नियस ना, तो ना होता तो अगर इग्नियस ना होती क्लियर तो है ये, वाला आगे चलते हैं। ये बोलता भी तो यहां पे लिखा हुआ ना कि सॉलिडिफाइड फ्रॉम मैग्मा एंड लावा सर इसको मैग्मा बोल दिया जो अंदर अब ये तो कंसेप्ट नहीं है ना सर एक मिनट अब सर एक और कलर ले लेते हैं पेन का एक मिनट आज थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है मेरे पेन टैप में ये लीजिए सर सब ये तो नहीं है ना कि सारे का सारा जो लावा था वो बाहर आ गया कुछ यहां पे भी रह गया होगा मतलब कुछ हिस्सा जो हिस्सा यहां पे भी रह गया वो भी कभी ना कभी क्या रह जाएगा वो कभी ना कभी सॉलिडिफाइड फॉर्म में हो जाएगा तो हम लोग इसको भी क्या बोल देते हैं इग्नियस रॉक बट अब दिक्कत क्या आ जाएगी सर ये भी इग्नियस रॉक आ गई सर ये भी आपने इग्नियस रॉक को नाम दे दिया बट दोनों के अंदर फर्क क्या रहेगा सर हमने इसको बोल दिया एक्सट्रूसिव कंसेप्ट याद रखना सर इसको बोल दिया एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक और हमने जो अंदर बन गई किसके अंदर सर जो वो पर्वत वो पहाड़ के अंदर वो वॉलकैनिज्म वो, वो बाहर नहीं आ पाई तो हमने इसको क्या बोल दिया इंट्रूसिव इग्नियस रॉक थोड़ा सा कंसेप्ट जाइएसिव मतलब एक्सटर्नल वाला जो बाहर आ चुका है एक रहता है इंटरनल सर जो इंटरनल ही रह गया अंदरूनी भाग रह गया हमने उसको रॉक का नाम दे दिया क्लियर है यहां तक ये बहुत बेसिक है फ्रेंड्स याद रखिए अभी घबराइए मत हम लोग इसके ऊपर भी काफी वर्क करने वाले हैं हमारी जो आने वाली आगे फर्दर से जो स्लाइड बे, के बेसिस पे रहेगी आगे चलते हैं सर ये आगे क्या बोलते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ द रॉक बिल्कुल ठीक है सर याद रखिए किसका रिजल्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये रिक्रिस्टलाइजेशन अब ये रिक्रिस्टलाइजेशन क्या चीज है इसके लिए आपको थोड़ी देर वेट करना होगा कल के सेशन तक वेट करना है अगर रिक्रिस्टलाइजेशन ना हो तो सर मेटामॉर्फिक रॉक हमें देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि ये ये प्रोसेस ही किसका है मैडम रॉक का सर जब कोई भी चट्टान रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा गुजर जाएगी हो जाएगा तभी तो मैडम मॉर्फिक रॉक हमें देखने को मिलेगी ठीक है यहाँ तक तो यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं हेलो संजीव कुमार जी कोई भी डाउट है तो प्लीज बताएं आगे चलते हैं

तो क्या हुआ मोल्टन रॉक बिलो द सरफेस बिल्कुल ठीक है एंड द लावा लावा क्या आ गया सर लावा देखिए मोल्टन रॉक एब द सर्फेस कंसेप्ट देखिए मैग्मा को क्या बोल दिया कि मोल्टन रॉक है बिलो द सर्फेस सरफेस है बिलो है अब लावा की बात कर ली अबव द सर्फेस जो ऊपर उठ चुका है यो कहने का मतलब क्या गया? जो बाहर आ गया वो लावा जो अंदर रह गया वो मैग्मा अच्छा अब मैं ऐसा बोल दूं कि सर मैग्मा अगर ठंडा हो गया तो क्या बन जाएगी सर अपने पास इग्नियस रॉक बन जाएगी बट कौन सी रॉक सर इंक्लूसिवली बनेगी या फिर ऐसा बोल दूं सर अगर लावा ठंडा होगा तो कौन सी रॉक बनी सर इग्नियस रॉक बनी बट कौन सी बनी सर एक्सक्लूसिवली बन गई है तो कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखना

एंड टाइम इन द कूलिंग ऑफ मोल्टन मेटर प्लूटॉनिक रॉक्स वॉलकैनिक रॉक्स एंड इंटरमीडिएट रॉक्स वो देख लेते कौन कौन सी हैं कहते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ रॉक बेज ऑन द प्रेजेंस ऑफ कंसेप्ट देखो सर हर एक ने अपने तरीके से इग्नस रॉक को बांट दिया हमने बोल दिया कि देर थ्री टाइप्स ऑफ इग्नस रॉक बेस्ड ऑन प्लेस एंड टाइम मतलब जगह हो गई और उसका टाइम कब वो ठंडी होकर सॉल्डिफाइड फॉर्म में हो जाती है तब हमने उसको इग्निसक को उसी के अकॉर्डिंगली बांट दिया

यहां तक प्लीज किसी को भी डाउट है फ्रेंड्स बताएं एनीवन कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं क्लियर है सभी को ओके okay. आगे चलते हैं अगर अब मैं बात करूं प्लूटोनिक रॉक की सर इसी के अंदर क्या रहता है प्लूटोनिक के अंदर कहते हैं इफ मैग्मा कूल स्लोली अब अगर मैग्मा बहुत धीरे-धीरे ठंडा -धीरे हो रहा है और कहां पे एट द ग्रेटर डेप्थ मतलब बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ मिनरल्स ग्रेनज फॉर्मड इन द रॉक मे बी वेरी लार्ज कांसेप्ट याद रखिएगा सर मतलब क्या रहेगा मिनरल ग्रेन्स का बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे सच रॉक्स आर कॉल्ड इंट्रूसिव रॉक सर अभी तो बोला था ना जो जो धरती के नीचे ही रह गए उसको इंट्रूसिव रॉक बोल दिया ना तो क्या ठंडा होगा सर मैगमा ठंडा हो गया, गया। तभी तो हमने वर्ड यहां पे मैगमा लिख रखा था अब कौन सी एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगी सर ग्रेनेड आपको देखने को मिल जाएगी कहते दीज रॉक्स अपियर ऑन द सर्फेस ओनली आफ्टर बींग अपलिफ्टेड एंड डेनोडेड कंसेप्ट क्लियर है अब अगर मैं बात करूं एक्सक्लूसिव इग्निस सर ये क्या चीज है सर यहां पे लावा आ गया तो बिल्कुल ठीक है ना लावा कैसे आ गया सर जो बाहर निकल गया ये कंसेप्ट देखो सर एक मिनट सर ये वाला कंसेप्ट देखो ना हमने इसको लावा बोल दिया था सर इसको क्या बोल दिया सर ये अपने पास क्या था दिस इज माई मैगमा कंसेप्ट देख लेना सर ये अपने पास क्या है सर दिस इज मा लावा और वो क्या मैगमा ठीक है ना अब क्या है कहते सडन कूलिंग अब एकदम से ठंडा होगा एकदम से कहने का मतलब नहीं है हमने मैग mag... हमने प्लूटोनिक रॉक के अकॉर्डिंग कंपैरिजन किया तो उसके कंपैरिजन में तो ये सडन कूल cool हो जाएगा ना तो एक्सक्लूसिव सॉरी एक्सक्लूसिव इग्नेस रॉक में क्या रहेगा सडन कूलिंग होगी किसकी मैग्मा की यहां पर लावा लिख सकते हो हम लोग जस्ट बिलो द सर्फेस ये सॉरी एक मिनट यहां पर आप लोग सीधा डायरेक्टली ऐसा लिखिए कि सर सडन कूलिंग ऑफ लावा सरफे रिजल्ट इन स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन इन द रॉक्स तो यहां पर बहुत ज्यादा आपको मिनरल ग्रेन देखने को मिले यहां पर मिल तो जाएंगे बटने कम मिलेंगे एज कम्पेयर टू प्लूटॉनिक रॉक एज रेपिड कूलिंग प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन एज अ रिजल्ट सच रॉक्स आर फाइन ग्रेन सच रॉक्स आर कॉल्ड एक्सलूसिव रॉक्स और वॉलैनिक रॉक और एग्जाम्पल सर एग्जाम्पल अपने पास क्या मिलेगी बसाल ठीक है ना

क्लियर है <coughs> आगे चलते हैं अब आगे देखते हैं कहते हैं बेसिक रॉक कंटेन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बेसिक ऑक्साइड्स सर कंसेप्ट देखिए जी जो बेसिक रॉक है उसके अंदर आपको बिल्कुल ठीक है ना कौन से ऑक्साइड्स मिल रहे हैं सर बेसिक ऑक्साइड ही देखने को मिलेगा ऐसा तो नहीं ना कि एसिडिक मिल जाएंगे अब वो कौन कौन से बेसिक ऑक्साइड्स हैं वो भी ध्यान में रखना क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये पूछा जा चुका है सर एक तो आयरन मिल गया आपको एल्यूमिनियम मिल गया सर आपको ठीक है ना और मैग्नीशियम मिल गया आपको कंसेप्ट तो याद रखना अगर मैं थोड़ा सा ऐसा बोल सकता हूं सर एलुमिनियम की बजाय हम लोग यहां पर लिख सकते तो बिल्कुल लिख सकते हो सर याद रखिए बॉक्साइड और मिलेगा आपको क्योंकि हमने पढ़ा था कि सर एलुमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉक्साइड और सर हम लोग एलुमिनियम को निकालते हैं कहां से सर बॉक्साइड और में से निकालते हैं ना तो हम यहाँ पे बॉक्साइड और भी लिख सकते हैं तो एक आयरन हो गया एलुमिनियम हो गया या फिर बॉक्साइड और हो गया और मैग्नीशियम एंड आर दस डेंसर एंड डारकर इन दलर क्लियर है तो यहां तक कोई डाउट नहीं है आप लोगों को अब अगर आगे देखें एसिडिक्रॉक के लिए बिल्कुल ठीक है।, है ना अगर सिलिका का कंटेंट ज्यादा रहता है तो एसडिक ही होगा ना अगर कम था तो क्या होगा सर basic बेसिक बोल देते कितना सर क्वार्स के बेसिक एग्जाम्पल क्योंकि हमने देखा कॉमन मिनरल फाउंड इन द रॉक तो वो कंसेप्ट बोलते तो रहे ना कितना सर मिल रहा है आपको सिलिका सर 80 फीसदी मिल रहा है 80 परसेंट मिल रहा है आपको कहते द रेस्ट डिवाइड अमंग एल्युमिनियम, एल्कलीस मैग्नीशियम आयरन ऑक्साइड और लाइन बाकी बचा इसके अंदर डाल दिया दीज रॉक्स हैव अ लेसर कंटेंट ऑफ हैवियर मिनरल्स अब एसिडिक रॉक के अंदर आपको मिनरल कंटेंट क्या मिल गया कम मिल गया इतना भारी नहीं मिला लाइक आयरन एंड मैग्नीशियम बेसिक रॉक सर ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों को नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए सर कौन सा भारी है कौन सा ज्यादा हल्का है और किसका रंग ज्यादा डार्क है और किसका कलर लाइट है एज कम्पेयर टू अदर वन क्लियर लिखा तो है ना कि लेस डेंस एंड आर लाइटर इन कलर धैन द बेसिक रॉक क्लियर आगे चले बोलते हैं कि दीज रॉक्स कॉन्स्टिट्यूट द सेल्फ पोर्शन ऑफ द क्रिस्ट बिल्कुल ठीक है सियाल सॉरी सियाल का मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम ये चीजें पढ़ेंगे हम लोग सर इसको मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं सर मैं पढ़ाऊंगा आपको ड्यू टू द एक्सेस ऑफ सिलिकॉन एसिडिक magma कूल फास्ट कंसेप्ट देख लो सर सर सिलिकॉन कंटेंट ज्यादा होने के कारण जो ये लावा होगा वो एसिडिक तो हो गई होगा ही होगा मैगमा सॉरी बड़े बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा एंड इट डज नॉट फ्लो एंड स्प्रेड फार अवे ये ज्यादा फैलेगा नहीं थिकनेस बहुत बढ़ जाती है सर इसकी बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा थिकी जाएगा ये वाला कहते हैं बिल्कुल ठीक है अब क्या रहेगा ग्रेनाइट क्वार टिपिकल एग्जाम्पल्स ये चीज आप लोग थोड़ा सा अंडरलाइन करके रखिए सर इसको नोट करके रखो सर ये इंपॉर्टेंट रहेगा ठीक है ना तो फ्रेंड्स आज का सेशन मैं यहीं तक रोकता हूं किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख कर बता दीजिएगा नेक्स्ट सेशन में मैं आपके ये भी डाउट्स को क्लियर कर दूंगा तो मैं आशा करूंगा कि आई होप कि आपको ये वाला सेशन भी काफी अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसको रेट और रिव्यू कीजिएगा फ्रेंड्स थैंक यू